जैसे कि पिछले पार्ट में आपने देखा, पंकज, योगेश और रिंकी की गाड़ी आधी रात को खराब हो जाती है और वो तीनों एक होटल का रूम बुक करते हैं। इस बात से अनजान कि होटल में एक बहुत खतरनाक भूत है। रूम में जाके उन्हें अजीब अजीब सी हरकतें महसूस होती हैं और ये सब एक भूत ही कर रहा था। पंकज सुसु करने के लिए वॉशरूम में जाता है और वहाँ उसे भूत पकड़ के मार देता है। अब देखिए आगे क्या होगा। पक्का ये दोनों ना मेरे साथ प्रैंक कर रहे होंगे, आज इन्हें छोड़ूंगा नहीं। ये पंकज अब तक टॉयलेट से आया क्यों नहीं? बहुत देर होगी, क्या कर रहा है? मैं देख कर आती हूँ। अरे रुको, रहने दो, आ जाएगा। अबे ओ काया डरपोक फट्टू, क्या हुआ भाई? क्यों उबल उबल के लाल हो रहा है? बाथरूम में पीछे से बॉल फेंक के मारता है, दम मैं तो सामने से मारना। भाई तो कुछ पागल वागल है क्या? क्या हो गया? मैं तो यहीं पे बैठा हूँ तब से। झूठ मत बोल तू, तू बाथरूम में है और तूने मुझे बॉल फेंक के मारी। अरे भाई सच बोल रहा हूँ, मैं कहीं नहीं गया, मैं तो यहीं पर बैठा था। हाँ पंकज सच्ची, हम दोनों यहीं बैठे हुए थे, हम कहीं नहीं गए। मुझे पता है तुम दोनों मिले हो और तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ऑस्टिन के साथ। बेबी बॉल किसने मारी? कोई था या जिसने बॉल को, हाँ बॉल को बैट से मारा जैसे कोहली शॉट मारता है। बेबी मुझे लगता है इस रूम में कोई भूत है। हाँ भाई हमारे को पहले ही इस रूम से आवाज आ रही थी। आवाजें? कैसी आवाजें? जब हम बाहर खड़े थे ना तो अंदर से कोई आवाज लगा रहा था कि अंदर आ जाओ अंदर आ जाओ, क्रिकेट खेलेंगे। क्या क्रिकेट खेलेंगे? अरे जब तुम लोगों को पहले आवाज सुनाई दे रही थी तो तुम दोनों ने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे भाई तू तो गुस्सा कर रहा था, अगर हम तेरे को बताते तो तू हमें बहुत मारता। चटनी तो मैं तेरी अब भी बनाऊंगा, लेकिन एक बार पता चल जाए कि रूम में कौन है। बेबी पक्का इस रूम में कोई तो भूत है। भूत कौन है वहाँ? कौन है? जो भी है सामने आओ। हाँ बोल फेंक, बैटिंग करवा। कौन है और क्यों हमें परेशान कर रहा है? बेबी मुझे तो क्रिकेट खेलना भी नहीं आता, कुछ करो। एक मिनट रुको, तुझे बैटिंग करनी है ना, सामने आ, तुझे बैटिंग करवाता हूँ। ला बॉल फेंक, बैटिंग करवा, सेंचुरी मारूंगा। हाँ ठीक है फेंक तो बोल, रेडी है ना? अबे मुझे पकड़ोगे, मुझे मारोगे। अरे भैया तुम इस कमरे को छोड़ के चले जाओ और हमें सुकून से रहने दो। अच्छा वरना क्या कर लेगा? वरना तुम्हारी ये बोल मैं दरवाजे से बाहर फेंक दूंगा। फेंक दे। अब देख तू मैं क्या करता हूं। अरे भाई ये बोल तो तूने बाहर फेंकी थी, अंदर कैसे आ गई? जरूर इस भूत ने ना कुछ जादू टोना किया है। और क्या कर सकता है तू बता? अब देख कैसे मैं तेरी इस बॉल को काटता हूँ। क्या? प्लीज मेरी बॉल को मत काटो प्लीज। डर गया ना, डर गया ना? अब देख तेरी इस बॉल का क्या हाल होगा। नहीं प्लीज तुम मेरी बॉल। अब मैं बैटिंग कैसे करूंगा? क्या आ गया ना औकात में? अब बोलना बहुत भूत बन के घूम रहा था। देख भाई कैसे भीगी बिल्ली बन गया है। भाई
ये हंस क्यों रहा है? बेबी, ये क्या हो रहा है? अबे चिल्को जो, तुम्हें क्या लगा था तुम मामूली इंसान मुझे डरा दोगे बॉल काट कर? पूत अंकल प्लीज ये बोलो कि बारिश बंद कर दो वरना हमारा सर्वर फूट जाएगा। हाँ प्लीज, हमें चोट लग जाएगी। तुम लोगों को तो अब मैं मजा चखाऊंगा। बहुत हो गई नेट प्रैक्टिस, अब ग्राउंड पर उतरने का वक्त आ गया है। ए भूत, बहुत हो गया तेरा, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पंकज, पंकज, ए भूत, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे पंकज के मुंह में ये ग्लव्स डाल दिया, तेरी तो। अरे भूत, तेरी तो। अरे यार भैया जी, कौन हो आप? अरे हम तो क्या चाहते हो? अच्छा, मैं कौन हूँ? हाँ भूत जी, आप कौन हैं? मेरा नाम है विराट तेंदुलकर। तेंदुलकर? ये कैसा अजीब सा नाम है आपका? तेंदुलकर? मेरे पिताजी ट्रेन धुलने का काम किया करते थे, तब से मेरा नाम विराट तेंदुलकर रख दिया। मैं बचपन से बहुत बड़ा क्रिकेटर बनना चाहता था। ए चल 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 चल, अरे गली गली का बच्चा तो छोड़ो, आजकल तो जिसे देखो वही क्रिकेटर बनना चाह रहा है। लेकिन मैंने सिर्फ सपना ही नहीं देखा, मैंने उसे पूरा भी किया। इंटरनेशनल मैच के सिलेक्शन का डे था और इसी शहर में मैच होना था। तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो भूत बन गया, ये कैसी अजीब सी कहानी है? तू चुप कर, मेरी बात सुन। मेरी टीम के सारे खिलाड़ी इसी होटल में रुके हुए थे, सबको पता था कि मेरा सिलेक्शन तो होना पक्का है क्योंकि मुझसे अच्छा खिलाड़ी कोई नहीं था। लेकिन फिर आपको लूज मोशन लग गए। अरे नहीं, मेरे एक साथी ने 15 मिनट पहले मुझे इस होटल में, इस रूम में बंद कर दिया और मेरा फोन भी लेकर भाग गया। अच्छा, तो निकल के अगले दिन उसकी कंप्लेंट कर देते, वेरी सिंपल। अरे इसमें भूत बनने की क्या जरूरत थी? मैंने भी ऐसे ही सोचा था, लेकिन अगले दिन लॉकडाउन लग गया और मैं हमेशा के लिए इस रूम में बंद हो गया। अब मेरी आत्मा इसी रूम में भटकती है, मुझे बैटिंग करनी है, मुझे सेंचुरी बनानी है, उसके बाद ही मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। बस इतनी सी बात, लाओ अब मुझे बोल दो, मैं अभी बॉलिंग करके आपकी सेंचुरी बनवा देता हूँ। अब तू ही मुझे बोल कर आएगा क्योंकि सबसे पहले बोल तू नहीं उठाई थी। हैं? मैंने? अरे मैंने कब उठाई बोल? अरे भाई बाथरूम में। कोने में? अरे ये मैंने क्या कर दिया? कोई बात नहीं बेबी, जल्दी जल्दी बोल करा के ना इसकी सेंचुरी करा दो, फिर हम घर चलेंगे। ठीक है, करता हूँ। चलो ट्रेन धुलकर रेडी हो जाओ। एक मिनट, गेम्स के कुछ रूल बताना तो अभी बाकी है। अरे हाँ हाँ पता है रूल, वन टिप वन हैंड आउट, और अगर डायरेक्ट दीवार पर बॉल लगी तो 6 रन, और डायरेक्ट अगर दरवाजे के बाहर गई तो आउट। गली क्रिकेट ना हमने भी बहुत खेला है, अरे तुम बैटिंग करो। ये गली क्रिकेट नहीं है, ये मेरा क्रिकेट है, यहाँ के रूल्स अलग है। अलग? मुझे जिसने भी वन टिप वन हैंड आउट करने की कोशिश करी उसे 3 थप्पड़, दीवार पर डायरेक्ट बॉल लगने से जिसने रोका उसको 6 थप्पड़, और अगर बॉल गेट के बाहर गई तो तीनों को आधा आधा दर्जन थप्पड़। मर गए। और हाँ, अगर मेरे शॉट मारने के बाद इस रूम में किसी भी सामान को बॉल टच होती है तो तुम तीनों में से किसी एक की हड्डी टूटेगी इस बैट से, याद रखना। क्या? चल अब बॉल डाल। बुजी, हम एक काम करते ना, ये जितने भी सामान है ये सब रूम से बाहर निकाल देते हैं, फिर आप आराम से दीवार पे मार मार के रन बना के अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर लेना। अबे ओ,
मैं किसी गली क्रिकेट का बच्चा हूँ क्या जो मुझे लॉलीपॉप दे रहा है? चल बोल करा चुपचाप। बेबी अब क्या करे? अरे बेबी गया तेल लेने के लिए। तुम एक काम करो, ये दरवाजे के पास तुम फील्डिंग करो, बॉल दरवाजे से बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना तुम्हारे चक्कर में ना हमारे गालों पे थप्पड़ पड़ेंगे, गालों का पकौड़ा बन जाएगा, 12 थप्पड़ एक दर्जन लग गए तो। हाँ रिंकी बिल्कुल अच्छे से करना, हमारे गालों की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। अबे वो इज्जत तू यहाँ पे लग, ये टीवी लाइटें दीवारें कि ये सब सामान जो भी है ना इस पे बॉल टच मत होने दियो वरना हड्डी टूटेगी तेरी। क्या क्या के बच्चे जल्दी चल, यहाँ खड़ा हो ये टीवी के आगे, ऐसे करके ऐसे करके। और इसी के साथ आज सुहाने मौसम में इस खेल की पहली बॉल। चल अब बॉल फेंक और पकड़। अब हड्डी टूटेगी तेरी, अब मजा आएगा वीडू। भूत जी मुझे माफ कर दो, मैं गधा हूं जो इस रूम में आया। रूल्स आर रूल माय फ्रेंड्स, अब तो हड्डी टूटेगी। भूत जी ये पहली बोलती तो पहली बोल ट्राई बोल होती, ट्राई बोल ट्राई बोल ट्राई बोलती है तो बिल्कुल ट्राई बोलती। ट्राई बॉल? हाँ भूत जी क्रिकेट मैच में तो पहली बॉल ट्राई बॉल होती है। अरे नहीं नहीं ऐसा कोई रूल नहीं होता है, हमारे मोहल्ले में तो होता है ऐसा। हाँ और हमारे मोहल्ले से तो बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर निकले हैं। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ ठीक है चल अगली बॉल डाल, इसकी हड्डी तो आज मैं तोड़ कर ही रहूंगा। ट्रेन धुलकर जी रेडी? तेरी सांसों की उजड़े है खेत रे। अबे क्या हुआ तुम लोगों ने ऐसा मुंह क्यों बना रखा है? मैंने तो टीवी पे टच होने से बचा लिया। अबे घन चक्कर टीवी तो बचा लिया लेकिन वन टेप वन हैंड क्या? अरे टीवी कहाँ गया? और ये पहले ओवर की पहली बॉल, 3 चाटे और 0 रन। चल बॉलर बॉल फेंक, ये छक्का 6 रन, और इसी के साथ बैट्समैन ने गेंद उछाल कर मार दिया है पूरे 6 रन। स्कोर हो गया है 3 थप्पड़ और 6 रन। अबे इस बार क्या हो गया, इस बार तो बॉल को भी नहीं पकड़ा और दीवार पर लगने से भी नहीं रोका। अब तो गई इसकी हड्डी। अरे भाई तू बॉल फेंक रहा है या मेरी मौत का फरमान? आ जाओ भूत जी मेरे पीछे की हड्डी मत तोड़ना वरना मैं फ्रेश नहीं हो पाऊंगा। भूत जी मुझे माफ कर दो प्लीज, ट्राई बॉल समझ के छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। ट्राई बॉल बस एक ही होती है, अब तो तू गया। भूत के बच्चे लेफ्ट हाथ तोड़ने की क्या जरूरत थी, अब मैं सुबह सुबह पोटी कैसे दूंगा? मेरा बैट मेरी बैटिंग नहीं सुना? अरे भूत जी इस हिसाब से तो उसका हाथ उसकी मर्जी होनी चाहिए थी ना। तेरा हाथ तोड़ू क्या भी? अब इसी के साथ स्कोर हो गया है 3 थप्पड़ 6 रन और 1 हड्डी। चलो अपने अपनी फील्डिंग पे चलो चलो, सामान बचाओ, तुम उधर दरवाजा बचाओ। ताता, ताता। रिंकी पकड़। अरे रिंकी ये क्या किया तुमने? अरे तुम्हें यहाँ फील्डिंग करने के लिए लगाया था या हमारी फील्डिंग सेट करने के लिए? पंकज के बच्चे मैंने तेरे को बोला था कि हम दोनों चलते हैं ट्रिप पर, अपनी चुड़ैल गर्लफ्रेंड को मत ले। मैं चुड़ैल? हाँ और नहीं तो क्या, चुड़ैल है। अब तेरी वजह से हमें एक दर्जन थप्पड़ खाने पड़ेंगे। अब तुम पिटने के लिए रेडी हो जाओ। चल अब बोल डाल। बूजी पहले हमें टीम मीटिंग करनी है, आ जाओ दोस्तों।
बेबी देखो ना, इस भूत ने गालों पे मार मार के लाल टमाटर बना दिए। हाँ, इस भूत का कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये हमें ऐसे ही पीटता रहेगा। लेकिन करेंगे क्या? आइडिया। क्या? हम इस भूत को आउट कर देंगे, और अगर ये आउट हो जाएगा तो शायद हमें यहाँ से जाने देगा। लेकिन आउट कैसे करेंगे? हाँ, मैं इसे ना बहुत सिंपल सी बॉल फेंकूंगा, इस पे शॉट मारेगा। शॉट मारेगा तो कैच आएगी, कैच या तो तुम्हारे पास आएगी या तेरे पास आएगी। तुम बस कैच मत छोड़ना और ये आउट अपने आप हो जाएगा। वाओ पंकज बेबी, क्या आइडिया, तुम कितने स्मार्ट हो। हाँ हाँ भाई, एकदम मस्त आइडिया। चल 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 रेडी हो। ये बहुत पागल पागल हो गया क्या? ये आउट हो गया फिर भी हंस रहा है। लगता है सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया इसलिए पागल हो गया। हे भूत, तुम आउट हो गए हो, अब हंस क्यों रहे हो? अरे मैं तुम लोगों को एक रूल तो बताना ही भूल गया था। एक और रूल? हाँ, कि अगर मुझे कैच आउट किया तो। हाँ भाई, थप्पड़ मारेगा ना, सो थप्पड़ मारेगा। एक काम कर, आके सो थप्पड़ मार ले। नहीं। फिर हड्डी? नहीं। अरे फिर क्या करोगे बता दो ना। अगर मुझे कैच आउट किया तो मैं तुम तीनों को भी अपनी तरह भूत बना लूंगा। क्या? हम भूत बन गए। चार में हो गए, बस चार और आ जाए फिर आपकी सेंचुरी पूरी, और फिर उसके बाद आपको आजादी मिल जाएगी। सेंचुरी सेंचुरी सेंचुरी, ये क्या बोल रहा है? सेंचुरी मतलब ये क्या बोल रहा है? मुझे 100 इंसानों को पकड़कर भूत बनाना है, उसके बाद मेरी सेंचुरी पूरी हो जाएगी और मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। इसका मतलब तुम क्रिकेट वाली सेंचुरी की नहीं, इस सेंचुरी की बात कर रहे थे। हाँ, और हमें बेवकूफ बनाया कि क्रिकेट की सेंचुरी बनानी है। हाँ, इसका मतलब अब हमें भी यहाँ से आजाद होने के लिए 100 लोगों का भूत बनाना पड़ेगा। हाँ, कैसा लगा नए तरीके का क्रिकेट? मार गए। अगर आप पार्ट 3 देखना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, और इस वीडियो पे कमेंट करो, और शेयर करो। और जो वीडियो शेयर नहीं करेगा उसके हम सपने में आएंगे।